नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पहली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर की खबर है। एक बदमाश को गोली लगी है जो जख्मी है। तीन बदमाश मौके से फरार हो गए। हाईवे पर गाड़ी से तेल चोरी करते थे ये बदमाश। मंसूरपुर थाना क्षेत्र का मामला है। एनकाउंटर के बाद का ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस ने तीन बदमाशों को पकड़ा है। एनकाउंटर में एक के घायल होने की खबर है और तीन बदमाशों के भाग निकलने की खबर आ रही है। लखनऊ में बीच सड़क पर एक गाड़ी में अचानक ही आग लग गई। गाड़ी में सवार लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ये मामला कैसरबाग के बीएन रोड का है। हरदोई में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार ने अपनी जान किसी तरह बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने से पहले कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, यह आशंका जताई जा रही है। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां घाघरा नदी में उफान के कारण गांव के गांव डूब चुके हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों को कूच कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। जब प्रभारी मंत्री वहां पहुंचे तो इलाके में कटान का दौरा कर रहे थे। इसी दौरान भारी संख्या में महिलाएं उनके पास आ गई, अपनी समस्या बताने लगी। महिलाओं ने उनसे कहा कि साहब, हमारा घर बचा लीजिए। दरअसल कटान के कारण कई लोगों के नदी में घर समा गए हैं, जिससे ये लोग परेशान हैं और इन्होंने प्रभारी मंत्री के सामने अपनी परेशानी रखी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने 15 दिन के अंदर निर्माण कार्यों की रिपोर्ट देने को कहा है। ब्रजेश पाठक ने सभी अधिकारियों से कहा कि तय समय में काम पूरा कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान को लेकर वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। सिगरा थाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती से देश और सिखों का अपमान किया है। हमारे जो देश के विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी जी, अमेरिका में जाकर अपने देश की निंदा करना और हमारे सिख गुरु गोविंद जी जो थे गुरुओं, ये हम लोग एक सम्मान से उनको मानते हैं कि हम लोगों को बहुत अंदर से ठेस लगी है। कल सिख समझाए भी हमारे साथ था, उनका जो है पुतला बनाकर उनका जो है वो किया था। क्या FIR दर्ज होगी? हाँ, FIR दर्ज होगी, फिर उसकी विवेचना होगी, फिर उनके खिलाफ जितनी भी हो सकती है वह कार्रवाई किया जाएगा। यह देश की आन बान की बात है। बाराबंकी में एक मौलाना हबीब अहमद पर झाड़फूंक की आड़ में नाबालिग से छेड़खानी के आरोप लगे। पीड़ित पांचवी क्लास में पढ़ती है, जो अपने बीमार भाई को लेकर मौलाना के पास पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान मौलाना ने लड़की से छेड़खानी की। किसी तरह लड़की मौलाना के चंगुल से भागी और अपने पिता को आप बीती उसने सुनाई, जिसके बाद घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। इसके लिए भी SHO कोतवाली को निर्देशित किया गया है कि वो छानबीन करें, ऐसे लोग मुखर हों, सामने आएं और ऐसे दुष्ट लोगों का, ऐसे आपराधिक मनोवृत्ति के लोगों का जरूर पुरजोर उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग करें और हम निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
अमेठी में लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम युवक पर एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के आरोप लगे हैं। मुस्लिम युवक उस लड़की को लेकर सगरा आश्रम पहुंचा था, जहां आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने युवक पर शक किया और उन्होंने लड़के को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अपने को हिंदू बता करके हमसे अपना परिचय बता रहा है कि मैं हिंदू हूँ, आश्रम में दर्शन करने के लिए आया हूँ। ये लोग एक प्रेम लव। बरेली पुलिस ने हिंदू नाम से सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया। इनका नाम नौशाद और अमन है। दोनों इंस्टाग्राम पर हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। आरोपों के मुताबिक दोनों शातिर बदमाश फर्जी सोशल अकाउंट और फेक आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। महिलाओं और लड़कियों की फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें परेशान करते थे। मोबाइल फोन में कई लड़कियों के न्यूड वीडियोज इनके मिले हैं, अश्लील चैट्स मिले हैं। पुलिस ने दोनों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इज्जत नगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर का यह मामला है। जब उनकी गहनता से पूछताछ की गई तो नौशाद और अमान उनके नाम थे। नौशाद के पास से 5 आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जो कि हिंदू और मुस्लिम नामों से बनाए गए हैं। उसके फोन में 6 इंस्टाग्राम आईडीज मिली हैं, जो कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के नामों से बना रखी हैं उसने। अमान के पास से भी 3 आधार कार्ड मिले हैं, जो कि दोनों समुदायों को से बिलोंग करते हैं, और उसके फ़ोन में भी काफ़ी सारी आईडीज मिली हैं। दोनों के फ़ोन में काफ़ी सारा अश्लील और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मिला है। महोबा में नौकरी का झांसा देकर महिला से रेप की वारदात का आरोप लगा। पीड़ित महिला ने पीडी महोबा में तैनात कर्मचारी महेंद्र कुमार पर घर में घुसकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। परेशान महिला ने कोतवाली में शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और कह रहा था नौकरी दिलवाऊंगा, नौकरी के बहाने से आया, और वो कहने लगा कि वो कोल्ड ड्रिंक पिलाई मुझे ना, उसमें होश नहीं रहा, उसने मेरे साथ गलत किया। क्या गलत किया? रेप करा उसने, मतलब। फिर मैंने उसको बोला कि ये क्या किया, तो कह रहा तुम अगर ज्यादा करोगी, कहीं जाओगी तो मैं जान से मर जाऊंगा और तुम्हें फंसा दूंगा। हाँ, मैं मर जाऊंगा फांसी लगा के, मैं तुम्हें फंसा दूंगा। इधर जौनपुर में 8वीं की छात्रा से रेप का एक मामला आया। लड़की ने स्कूल के प्रिंसिपल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। छात्रा दिव्यांग है। जब पूरे मामले की शिकायत थाने पहुंची तो पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब पीड़िता के परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी के निर्देश पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पीड़िता की मां द्वारा थाना नवरिया में एक तहरीर दिया गया कि हमारी नाबालिग दिव्यांग पुत्री के साथ उसके स्कूल के अध्यापक द्वारा यौन शोषण किया गया, जिस पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर हरदोई से, जहां एक पुलिस कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में पुलिस कांस्टेबल महिला और उसके परिवार पर जानलेवा हमला करते दिखाई दे रहा है। उसने एक महिला के सिर पर बेरहमी से डंडा मारा, जिससे उसका सिर फट गया। पुलिसिया रौब में आए कांस्टेबल का कहर पूरे परिवार पर टूटा है, जिसमें 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया गया कि कांस्टेबल अमेठी में तैनात है और हरदोई में अपने घर आया था। जमीन विवाद में पड़ोसी के साथ मारपीट हो गई। खबर बलरामपुर से, जहां पर बेशकीमती खैर की लकड़ियों की तस्करी का एक मामला सामने आया। जहां लग्जरी गाड़ियों से खैर की तस्करी की जा रही थी, सोहेलवा जंगल से काटी गई खैर की लकड़ी को प्रशासन ने बरामद किया है। स्कॉर्पियो गाड़ी में 17 बोटा खैर की लकड़ी लादी गई थी। तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। हरैया थाना क्षेत्र के बनकटवा रेंज की यह घटना है। अगली खबर गोंडा से, पुलिस ने संदीप हत्याकांड का खुलासा किया। लड़के की प्रेमिका ने अपने परिवार के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। ईंट से कूच कर संदीप की हत्या की थी। शव गन्ने के खेत में छिपा दिया था। छपिया थाना इलाके का मामला है। आरोपी प्रेमिका और उसके माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
वादे की लिखित तहरीर के आधार पर चार नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया और इसी क्रम में आज दिनांक 19 सितंबर 2024 को 3 हत्या आरोपी लल्लन संजू मौर्या एवं विमला देवी को गिरफ्तार कर मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और प्रकरण में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर से खबर, जहां पर एक किन्नर हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक 18 सितंबर को कुएं से किन्नर का शव बरामद हुआ था। हत्या से कुछ दिन पहले किन्नरों के 2 गुटों में क्षेत्र के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। विवाद का बदला लेने के लिए किन्नर चांदनी की हत्या कर शव कुएं में छिपा दिया गया था। देवरिया से खबर, जहां कार सवार किडनैपर्स ने 5 साल के बच्चे का अपहरण किया। मामला हरैया गांव का है। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बच्चे के पिता का आरोप है कि कई दिन पहले कुछ लोग बच्चे के 50,000 रुपए में खरीदने आए थे बच्चे को। उन्होंने बच्चा दिया नहीं, अब बच्चे को किडनैप कर लिया गया है। 50,000 ले लो और कुछ ना कहना कहना बाबू के दे दो, पढ़ा लिखा दियो, उनका धन दौलत बहुत बा, हम कहीं हम नहीं देगा अपन लड़का। आपका कितने साल का होता है? 5 साल के। तो बच्चा खरीदने आए थे? हाँ। नहीं दिए तो क्या किए लोग? उठा के लेके चले गए लोग। पुलिस में गए थे? हाँ। क्या हुआ? पुलिस के ऑपरेशन दिए, लिखवा दिए, गुड्डू पकड़ के गए हैं और बयान भी कर दिए गुड्डू का, उठा के हम दिए हैं रोशन को। लखनऊ में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश फिरोज और इलियास को गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी एसटीएफ ने प्रतापगढ़ से की है। दोनों फायरिंग डकैती के मामले में फरार चल रहे थे। पीलीभीत में पुलिस ने 4 व्हीलर बुक कर ड्राइवर के साथ लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले गाड़ी बुक करते थे, उसके बाद ड्राइवर के साथ मारपीट करते थे और गाड़ी से बाहर धक्का दे देते थे और इसी के साथ गाड़ी लेकर फरार हो जाते थे। 16 सितंबर को लोडर बुक कर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर कानपुर से, जहां पुलिस ने सोने चांदी की दुकानों पर चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने समेत 22,000 रुपए नगद बरामद किए गए। कुछ दिनों में हनुमंत विहार थाना क्षेत्र और बिदनू थाना क्षेत्र इलाकों में ज्वेलरी शॉप पर चोरी की वारदात से कुछ चोरों ने अंजाम दिया था। पीलीभीत में एक सरकारी कर्मचारी पर अवैध तरीके से वोटर कार्ड बनाने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पकड़ा गया कर्मचारी वोटर कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से 50-50 रुपए वसूल रहा था। इसका वीडियो लोगों ने बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। 1 महीने पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। मुझे नहीं जानते, अपने चेयरमैन से पूछो राजू फौजी कौन है। मेरे वार्ड में दोबारा इस तरह की हरकतें मुझे सुनने में आई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ध्यान रखिएगा, आप घर बैठेंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये कोई तरीका होता है? अब पता चलिए ले रहे पैसे, बताना मुझे, बताऊंगा फिर मैंने सही से। पैसे वापस करिए। आगरा में वकील ने अपने किडनैपर्स डकैतों को उम्र कैद की सजा दिलवाई। अदालत ने 17 साल बाद फैसला सुनाया है। वकील ने कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के साथ अंतिम बहस में खुद शामिल होकर हर दलील पर अपनी बात रखी। कोर्ट ने इन सभी डकैतों पर 10 फरवरी 2007 को हर्ष गर्ग का किडनैप कर लिया था। जिस हर्ष का किडनैप हुआ था उसी ने वकील बनकर सजा दिलाई अपने अपहरणकर्ताओं का। 10 फरवरी 2007 को मेरा अपहरण हुआ और मेरे पिताजी को गोली मारी गई। उसके बाद में मुझे 26 दिन बदमाशों के पास में रहा। 27वें दिन पुलिस की द्वारा मुझे बरामद किया गया और 27वें दिन मैं अपने घर आया। घर आने के बाद में लगातार अपने केस की पैरवी करते रहे घर के सभी लोग और
2022 में मैंने वकालत कंप्लीट की। आईफोन को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। आगरा में भी लोग सुबह से ही आईफोन के लिए आई प्राइम स्टोर के बाहर कतारों में नजर आए। जिसने पहले बुकिंग कराई थी उन्हें फोन दिया गया। आई प्राइम स्टोर, लोगों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिली सभी स्टोर्स पर। आज एप्पल ने आईफोन 16 की सेल स्टार्ट करी है, जिसके अंदर आईफोन 16 के चार मॉडल्स लॉन्च करे हैं एप्पल ने। आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स। ओके, इसके अंदर एप्पल ने इस साल लास्ट ईयर के कंपैरेटिव 15,000 रुपीज का प्राइस ड्रॉप भी करा है, विच इज अ वेरी अमेजिंग प्राइस लाइनअप दिस टाइम। एंड एप्पल लवर्स आर वेरी एक्साइटेड टू बाय दिस फोन, एंड वी हैव मोर देन 200 प्री बुकिंग्स दिस टाइम, एंड वी आर डिलीवरिंग दैट बुकिंग्स 101। और वॉकिंग कस्टमर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं आईफोन को परचेज करने के लिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। आगरा के शाही जामा मस्जिद में एल्बम बनाने के मामले में एएसआई ने सख्त कदम उठाया। एएसआई के संरक्षण अधिकारी ने मंटोला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। बता दें, जामा मस्जिद में एक एल्बम की शूटिंग हुई थी जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद कमेटी और एल्बम के लोगों के खिलाफ नाराजगी जताई थी। अब मामले में पुलिस ने मस्जिद कमेटी के चेयरमैन और एल्बम के डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है। शाही जामा मस्जिद के अंदर जायद कुरैशी द्वारा रमशा प्रोडक्शन के तहत एक मूवी का सॉन्ग समाज की भावनाएं आहत हुई है। सकल सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है जायद कुरैशी द्वारा। आपको कुछ धमकी वगैरह दी है क्या? हाँ, धमकी तो वो हमेशा देते ही रहते हैं किसी ना किसी मैटर को लेके। उन्होंने मुझे इससे पहले भी तकरीबन कई एक बार धमकी दी है, जिसके डिजिटल साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। अयोध्या के खुरचन पेड़े, खड़ाऊ, चंदन टीका और गुड़ को जीआई टैग मिलेगा। उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन किया गया है। आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है। जीआई टैग मिलने के बाद अयोध्या के इन उत्पादों को बड़ी पहचान मिल जाएगी। अयोध्या के व्यापारियों में खुशी है। व्यापारियों ने कहा कि इससे अयोध्या को नई पहचान मिलेगी, साथ ही व्यापार भी बढ़ेगा। ये खुशी की बात है। अयोध्या तो हर दृष्टि से पूरे दुनिया संसार में महत्वपूर्ण है, और अयोध्या में सब कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमारे सरकार जो भी जरूरत हो वह सब मिलना चाहिए। हम लोग कभी इस चीज़ का कल्पना भी नहीं किए थे कि ऐसा भी अयोध्या में ये दिन आएगा कि जो हम लोग हमारे पूर्वज ये बिजनेस कर रहे हैं, इसको जीआई टैग, जो कि पूरे भारत में इसकी चर्चा हो जाएगी, ये कभी नहीं सोचा था। आज हनुमान जी का आशीर्वाद और बहुत खुशी है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इस खुशी का क्या, मैं आपको उजागर नहीं कर सकता हूँ, इतनी खुशी है। हम लोग हमेशा से देखते हैं, जो भी यहाँ पे यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो प्रसाद के स्वरूप में हनुमानगढ़ी का लड्डू और ये प्रसिद्ध खुरचन पेड़ा बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं कि लोग लेकर के जा रहे हैं, और अब इसको जीआई टैग मिल गया है, जो एक नई इनको ऊँचाई मिली है, उसके लिए बहुत ही अयोध्यावासी बधाई के पात्र हैं, सरकार बधाई की पात्र है। जीआई टैग मिल रहा है, ये तो बहुत ही गौरव की बात है, और हम अयोध्यावासियों के लिए बहुत बड़ी बात है ये, जिसको जीआई टैग मिलने जा रहा है, खासकर खुरचन पेड़े को। यूपी के कई जिलों में बारिश आफत बनी हुई है। झांसी, उन्नाव और दूसरे कई जगहों पर लोग बारिश की वजह से परेशानी झेल रहे हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। झांसी में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से छोटी नदियां भी उफान पर हैं। इसकी वजह से कई बार हादसे भी हो रहे हैं। बाइक सवार तीन लोग गौरारी नदी में बहने से बचे, हालांकि उनकी बाइक पानी में बह गई। उन्नाव में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। इसकी वजह से जगह जगह कटान भी हो रहे हैं। इंदिरानगर मोहल्ले में कटान की वजह से 50 साल से ज्यादा पुराना एक विशाल पेड़ गिर गया। वहीं रिहायशी इलाके में पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। जालौन में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित कोच तहसील क्षेत्र में कई गांवों में पानी घुस गया है। इस बीच गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद गांव वाले उसे पानी के बीच से ही चारपाई पर अस्पताल ले गए। बुलंदशहर में बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में जलभराव की समस्या है। पहासू देहात नगला में बिजली घर और प्राइमरी स्कूल तालाब में तब्दील हो चुके हैं। स्कूली बच्चे भी पानी से होकर जाने को मजबूर हैं।
शाहजहांपुर में रामगंगा में आई बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। रामगंगा के तटवर्ती इलाके के गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खान पीन की का बनाऊन तक की तो जगह ना है बची सो की, अब जो थोड़ी बहुत है पैर टिकाऊन भरेगी रोड भैया पे बिछे डा रहे, और थोड़ो बहुत है वो सब आपको दिख ही रो है, फसल वे दाव पे लगी जो घरन में धो रखो अनाज वो सब कोई निकाल पाओ, रात भर में तो कयामत आई गई। सोनभद्र के रेणुकूट के रेहंद डैम के अब 6 गेट बंद कर दिए गए हैं, जबकि ओबरा डैम के 4 गेट बंद किए गए। बारिश रुकने के बाद डैम का जलस्तर कम होने लगा, जिसके बाद अधिकारियों ने गेट बंद करने का फैसला लिया। मथुरा में थाना गोविंद नगर के मसानी बिजली घर के पास नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से बाइक सवार गड्ढे में गिर गया। बड़ी मुश्किल के बाद उसे बचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।